अगर आप GTA Hub रोल पे सर्वर में जॉब करते करते थक गए हो और फिर भी पैसे नहीं बन रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे मेथड के बारे में जिसे फ्रेंड्स के साथ आप इजीली 500k एवरी आवर कमा सकते हो। एंड ना सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बल्कि अकेले भी आप बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। लेकिन याद रखना, फ्यूचर में शायद आप इतने पैसे नहीं कमा पाओ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम पर लग जाओ। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर ये कौन सा काम है जिससे आप इजीली $500,000 कमा सकते हो GTA Hub रोल प्ले सर्वर में। बाय द वे, अभी तक आपने GTA Hub सर्वर खेलना शुरू नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो? इससे पहले कि सर्वर फुल हो जाए, चीजें ओवर प्राइस हो जाए, आ जाओ खेलने। बेसिकली अभी इनका इंग्लिश सर्वर स्टार्ट हुआ है तो सब कुछ आसान है। साथ ही में हम गिवअवे करने वाले हैं हर एक GTA Hub प्लेयर को जो कि अपने फ्रेंड को गेम में इनवाइट करते हैं। तो अगर आप एक फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो आप 500 क्लेम कर सकते हो, अगर आप 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो आप 5000 क्लेम कर सकते हो। तो GTA Hub में $500,000 एवरी आवर कमाने के लिए आपको करने होंगे रॉबरीज। अब ये रॉबरीज करने के लिए भी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर लेवल 4 होना चाहिए, जो आप टैप बटन प्रेस करके देख सकते हो कि लेवल 4 होने के लिए आपको कितने आवर्स और खेलने होंगे। अगर आप रेगुलरली एक दो दिन भी खेल लेते हो तो आप इजीली लेवल 4 तो हो ही जाओगे। फिर टैप बटन को प्रेस करके आपको बेसिक सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे RP सर्वर के रूल से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रॉबरी करते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सिचुएशन फेस करोगे या फिर डर कर गेम ही बंद करके भाग जाओगे? डरने से क्या फायदा है? हाँ। एक दिन किसी को सबको मरना है। ऑब्वियसली आपको सिचुएशन फेस करना होगा, वरना आपको सैंक्शंस लग सकते हैं। 3 सैंक्शंस लग जाने के बाद आपकी ID भी बैन हो सकती है, तो ये गलती कभी भी मत करना। तो बेसिक सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना बहुत ही इजी है, बस आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो हमारा GTA Hub इंडिया सर्वर ज्वाइन कर लो, हम आपको सारे रूल्स भी सिखा देंगे और सर्टिफिकेशन कैसे कंप्लीट करना है ये भी बता देंगे। तो बेसिक सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद और कैरेक्टर लेवल 4 होने के बाद आप रेडी हो रॉबरीज करने के लिए। लेकिन रॉबरीज करने से पहले आपको कुछ सामान भी खरीदना होगा। तो रॉबरीज करने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है प्लान। प्लान बेसिकली रॉबरी के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जैसे कि टैटू शॉप, ज्वेलरी शॉप, क्लोथिंग स्टोर, लिकर स्टोर एंड सारे स्टोर्स के अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो आपको इनमें से किसी भी स्टोर का प्लान चाहिए जिसे आप रॉब करना चाहते हो, एक गन चाहिए, एक कार चाहिए और आप मास्क भी लगा सकते हो। अगर आपके दोस्त हैं तो अच्छी बात है, वरना GTA Hub इंडिया के डिस्कॉर्ड सर्वर में आपको दूसरे लोग भी मिल जाएंगे रॉबरी साथ में करने के लिए। बाकी बात रही कि आप स्टोर, एमओ, गन ये सारी चीजें कहां से खरीदोगे, तो इल्लीगल डीलरशिप होता है गेम में, आप वहां से जाकर इजीली ये सारी चीजें बाय कर सकते हो। प्लान्स आपको 20,000 से 30,000 के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और एक बार प्लान ले लिया उसके बाद आपको लेनी होगी गन। गन भी आप इल्लीगल डीलरशिप से अंडर 10,000 में बाय कर सकते हो। बस ध्यान देना कि आपको यहाँ से बाय करनी है विंटेज गन, क्योंकि यही सबसे चीपेस्ट है। और ये बात हमेशा याद रखना कि विंटेज गन को वीक में सिर्फ एक ही बार बाय कर सकते हैं। और अगर गन आपके पॉकेट में है और गलती से आपका कैरेक्टर मर जाता है तो आपकी गन चली जाएगी इन्वेंटरी से, बाकी गेम क्रैश या फिर बंद करने से वो इन्वेंटरी से नहीं जाती है। फिर ये जो प्लान्स हैं ये आपको और भी ज्यादा चीप में मिल सकते हैं। आपने जो भी इल्लीगल गैंग ज्वाइन कर रखी है उनके मेंबर से बात करो, उनके पास वेयरहाउस होगा ही जहां वो प्लान्स बनाते होंगे, तो बात करने पे आपको वो कम प्राइस में ऐसी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। बाकी गेम में हमारी गैंग भी है जिसका नाम है अकात्सुकी, और आप इसे टैप बटन प्रेस करके ज्वाइन कर सकते हो एंड हम भी प्लान्स आपको काफी चीप प्राइस में प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगेन, इस सर्वर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 4 प्लेयर्स चाहिए रॉबरी के लिए या फिर 4 डोर कार चाहिए, आप चाहो तो अकेले भी कर सकते हो रॉबरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉस्टेज वाला सिस्टम नहीं है, ये सारा सोलो किया जा सकता है। तो रॉबरीज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लोथिंग स्टोर का प्लान लिया है तो क्लोथिंग स्टोर चले जाओ गन और प्लान लेकर। ध्यान देना, जब आप सिटी में कार चला रहे हो तो आपके हाथ में गन नहीं होनी चाहिए, वरना जो CCTV कैमराज हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर पुलिस पीछे पड़ जाती है। स्टोर पहुंच जाने के बाद आपको अंदर जाना है और कैशियर के ऊपर एम करना है। ये करते ही रॉबरी स्टार्ट हो जाएगी और आप देख पाओगे कि एक बार में आपको ये कितने पैसे निकाल कर दे रहे हैं। आपको तब तक एम करके रखना है जब तक ये पूरे पैसे ना दे दे। किस्मत अच्छी रही तो पुलिस को आने में टाइम लग जाएगा और आप इजीली मिनिमम 30,000 से लेकर मैक्सिमम $100,000 कमा सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में। रॉबरी करने के बाद आपके ऊपर वांटेड लेवल स्टार आ जाएगा, जिसे छुड़ाने के लिए आपको पहाड़ों में भागना पड़ेगा। वहाँ कुछ 2 से 4 मिनट वेट करो और फिर पुलिस पीछा छोड़ देगी। अब काफी बार ऐसा होता है कि आप किसी स्टोर में जाते हो एंड वहाँ लिखा आता है स्टोर ऑलरेडी रॉब्ड, इसका मतलब है कि उस स्टोर को रिसेंटली किसी ने रॉब किया था। तो फिर आप या तो वेट कर सकते हो या फिर किसी दूसरे स्टोर को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी स्टोर को रॉब करने के बाद 1 आवर का कूल डाउन टाइम होता है। मतलब किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर स्टोर को रॉब किया तो पूरे 1 घंटे तक कोई भी
सर्वर प्लेयर उस स्टोर के दोबारा रॉबरी नहीं कर सकता। एंड जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने एक रॉबरी की है, तो मैं भी एक घंटे तक रॉबरी नहीं कर सकता। मतलब कि ये जो कूल डाउन टाइम है, ये स्टोर के ऊपर तो लगता ही है, लेकिन जिसने रॉबरी की उसके ऊपर भी लग जाता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप रॉबरी अपने फ्रेंड्स के साथ ही करने जाओ, 3-4 प्लान्स ले लो और सेम ही गन रख लो। 1 आवर में आराम से 5 रॉबरीज तो हो ही सकती हैं। एंड अगर सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया तो आप इजिली 400 to 500,000 कमा सकते हो। एंड फिर और क्या, ऐसे ही बार बार रिपीट करते रहो और आप इजिली बहुत ही ज्यादा रिच हो जाओगे इस गेम के अंदर। बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है चीजें चेंज हो जाएं। क्या पता भाई पुलिस वाले इतने ज्यादा एक्टिव हो कि कोई स्टोर रॉबरी कर ही ना पाए, या फिर सर्वर में इतने ज्यादा लोग आ जाएं कि सारे स्टोर्स हमेशा रॉब्ड ही रहें। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए जब तक ये काम कर रहा है भाई पैसे कमा लो। बाकी हाँ, डिफरेंट स्टोर से डिफरेंट अमाउंट ऑफ पैसे रॉब किए जा सकते हैं। अभी आप इस टेबल में देख सकते हो कि ज्वेलरी शॉप को रॉब करने पे 90 to 100,000 रॉब किए जा सकते हैं, क्लोथिंग स्टोर से 60 to 80,000, लिकर स्टोर से 30 to 40,000, सुपरमार्केट से 30 to 40,000, गैस स्टेशन से 60,000 प्लस, फार्मेसी स्टोर से 60,000 प्लस, टैटू शॉप प्लान से 30 to 40,000। एंड इसके बाद एक गैंग एक्टिविटी भी है जिसके बारे में मैं फ्यूचर में कभी बात करूंगा। ओके गाइस, तो यही था इस ट्यूटोरियल वीडियो में। अभी तक GTA हब ज्वाइन नहीं किया तो आ जाओ साथ में खेलने, डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम पे मेरा रेफरल कोड जीनोम यूज कर लेना फॉर एक्स्ट्रा कैश रिवॉर्ड। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं गेम से रिलेटेड, तो आप GTA हब इंडिया का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, जहां हम आपकी हेल्प इंस्टेंटली कर देंगे। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही किसी ट्यूटोरियल वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए GTA हब ऑन टॉप।